अजीज़ दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ और आप सब देख रहे हैं माइनिंग इनसाइट यूट्यूब चैनल। अजीज़ दोस्तों, माइनिंग एक ऐसा सेक्टर है जो किसी भी मुल्क की मईशत पर अहम किरदार अदा करता है। किसी मुल्क की तरक्की को अगर हम जांचना चाहें, देखना चाहें, तो हम देख सकते हैं कि वो मुल्क कितने ज़्यादा मिनरल को यूटिलाइज कर रहा है, उस मुल्क की मईशत कितनी तरक्की कर रही है। इसका अंदाज़ा उसके मिनरल्स के यूज़ से लगा सकते हैं, ख़ास तौर पे उस मिनरल की इम्पोर्ट से। अगर वो रॉ मटेरियल इम्पोर्ट कर रहा है वो कंट्री, तो इट मीन कि उस मिनरल को वो वैल्यू ऐड कर रहा है। वो रॉ मिनरल इम्पोर्ट करने का मकसद उसकी वैल्यू एडिशन है, उसकी प्रोसेसिंग है। तो इस सेशन में हम जानेंगे कि 2022 में दुनिया के टॉप 20 कंट्रीज जिन्होंने मिनरल्स की इम्पोर्ट की, उन्होंने मिनरल्स की वैल्यू एडिशन की, उन्होंने मिनरल्स को प्रोसेस किया और फिर अपने मुल्क में इस्तेमाल किया, या उसकी वैल्यू एडिशन करके दोबारा मुख्तलिफ ममालिक में एक्सपोर्ट कर दिया। तो हम दुनिया के 20 ममालिक की फहरिस्त को जानने की कोशिश करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें, ताकि उन्हें रेगुलर हमारी ये वीडियोस मिलती रहें। तो आइए, 20 नंबर पे जो कंट्री है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने 2022 में 47.4 बिलियन डॉलर की मिनरल्स इम्पोर्ट की और इसका ग्लोबल मार्केट में शेयर बनता है 1.1%। दूसरे नंबर पर, यानी 19 नंबर पर ब्राज़ील है। ब्राज़ील ने 48.4 बिलियन US डॉलर की मिनरल इम्पोर्ट की और मार्केट शेयर है 1.13%। 18 नंबर पर आता है कनाडा, 50.8 बिलियन US डॉलर्स की मिनरल इंपोर्ट की और मार्केट में शेयर है 1.18%। 17 नंबर पे मलेशिया, 54.8% और मार्केट शेयर 1.27%। 16 नंबर पर थाईलैंड है, 55.4% और मार्केट शेयर है 1.29%। 15 नंबर पर आता है मैक्सिको, 64% और मार्केट शेयर 1.52%। 14 नंबर पर ताइवान, 87.6%, मार्केट शेयर 2.04%। जी, तो 14 नंबर पर आता है ताइवान, 87.6 बिलियन डॉलर्स की इंपोर्ट की 2022 में और मार्केट शेयर बनता है 2.04%। फिर 13 नंबर पर आता है स्पेन, 90.6 बिलियन डॉलर और शेयर है 2.11%। 12 नंबर पर आता है सिंगापुर, 104 यानी 104 बिलियन US डॉलर की इंपोर्ट, मार्केट शेयर 2.41%। 11 नंबर पर आता है बेल्जियम और बेल्जियम ने इंपोर्ट की 107 बिलियन डॉलर की और उसका शेयर बनता है 2.49%। 10th नंबर पर आता है यूनाइटेड किंगडम, 133 बिलियन यूएस डॉलर की इंपोर्ट और 2.75% शेयर। 9 नंबर पर आता है इटली, 151 बिलियन डॉलर और मार्केट शेयर 3%। 8 नंबर पर है फ्रांस, 152 बिलियन US डॉलर और मार्केट शेयर 3.54%। 7 नंबर पर आता है नीदरलैंड, 185 बिलियन डॉलर और शेयर है 4.3%। 6 नंबर पर है जर्मनी, 208 बिलियन डॉलर और मार्केट शेयर है 4.5%। 5वें नंबर पर आता है साउथ कोरिया और साउथ कोरिया ने 2012 में 212 बिलियन डॉलर्स की मिनरल इंपोर्ट की और उसका शेयर बनता है 4.94%। 4थे नंबर पर जापान, जापान ने 2022 में 258 बिलियन डॉलर्स की इंपोर्ट की और इसका ग्लोबल मार्केट में शेयर है 5%। 3रे नंबर पर इंडिया, इंडिया ने 201
$51 बिलियन की मिनरल इंपोर्ट की और उसका शेयर बनता है 6.78%। दूसरे नंबर पर यूनाइटेड स्टेट है और यूनाइटेड स्टेट ने 2022 में $329 बिलियन की मिनरल्स इंपोर्ट की और उसका शेयर है 7.65%। और पहले नंबर पर, जी हाँ, जिसने 2022 में जिस मुल्क ने सबसे ज़्यादा मिनरल इंपोर्ट की वो है चाइना और उसने $623 बिलियन की मिनरल्स इंपोर्ट की और उसका शेयर बना 14.5%। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि वो ममालिक जिनकी इकॉनमी ग्रो कर रही है, जो ममालिक तरक्की कर रहे हैं, वो मिनरल्स की इंपोर्ट में ज़्यादा पहले नंबर पर हैं। उन्होंने ज़्यादा मिनरल इंपोर्ट की, यानी कि इस वक्त जो रैपिडली ग्रोइंग इकॉनमी है सबसे ज़्यादा वो चाइना है और वो $623 बिलियन की इंपोर्ट कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे यूनाइटेड स्टेट है और तीसरे नंबर पे इंडिया की इंपोर्ट है। इंडिया भी दुनिया में बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है, उसकी मईशत बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमें इसके ऊपर गौर करना चाहिए। ये स्टैटिस्टिक्स देने का, सुनने का मकसद ये होता है कि हम में भी कोई एहसास पैदा हो जाए, हम में हमारे अंदर भी कोई ये तड़प पैदा हो जाए या हमें एक एहसास हो कि यार हम किस स्टेज पे हैं। हम वैसे तो इंडिया से मैच हार जाएं तो हमें वो क्या कहते हैं, बहुत अफसोस होता है, बहुत शोक होता है, हमें बड़ी तकलीफ होती है कि हम इंडिया से मैच क्यों हार गए। और अगर हम उससे मुआशी मैदान में हार रहे हैं तो उसकी हमें कोई परवाह ही नहीं है। वो मुआशी वाले से हमें कितना पीछे छोड़ता हुआ जा रहा है उसकी हमें कोई एहसास और ख़बर नहीं है। तो अगर हम अपने मुल्क की मईशत को बेहतर करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली तरक्की करे, तो हम अपनी मिनरल्स सेक्टर को देखना होगा, हमें अपनी मिनरल्स की वैल्यू एडिशन को देखना होगा और उसको बेहतर करके अपने प्रोडक्ट बनाने होंगे और वैल्यू एडेड मिनरल्स को एक्सपोर्ट करना होगा। तो अगर हम देखें ओवरऑल, तो 2022 में जो टोटल इन 20 कंट्रीज़ ने, टॉप 20 दुनिया में, वैसे ही एक प्रिंसिपल होता है 80-20 का प्रिंसिपल, कि 80% जितने लोग काम कर रहे होते हैं या जितना बिजनेस जनरेट करते हैं वो 20% उससे ज़्यादा बिजनेस जनरेट करते हैं। ये प्रिंसिपल है 80-20 का पूरी दुनिया में। तो मेरा ख्याल है कि बाकी 80% जो इम्पोर्ट है वो इस 20% से कम होगी, क्योंकि उसकी फिगर्स, उसका डाटा मेरे पास नहीं है। मेरे पास इन 20 कंट्रीज़ का डाटा है। तो इन 20 कंट्रीज़ ने जो 2022 में मिनरल इंपोर्ट की वो टोटल $3,252 बिलियन की बनती है, $3,252 बिलियन की बनती है। और उनमें जो चाइना की ट्रेड है वो 9 कंट्रीज से ज़्यादा है, 9 ममालिक से ज़्यादा ट्रेड है। सिर्फ $623 बिलियन अकेले चाइना की बनती है। और इंडिया को भी अगर हम देखें तो इंडिया की इंपोर्ट भी उसने ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, मलेशिया, थाईलैंड एंड मेक्सिको, इन टोटल की उससे ज़्यादा है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, मलेशिया, थाईलैंड और मेक्सिको ने जितनी मिनरल्स इंपोर्ट की, इन तमाम कंट्रीज से ज़्यादा मिनरल्स अकेले इंडिया ने इंपोर्ट की। लिहाजा हमें गौर करना होगा, हमें अपने मुल्क के लिए एक स्ट्रेटजी बनानी होगी, मिनरल पॉलिसी बनानी होगी। हमें बैठ के एक दफ़ा 25 ईयर्स का प्लान बनाना होगा और फिर उस 25 ईयर्स के प्लान को हमें 5 ईयर्स के प्लान में डिवाइड करना होगा और हमें अपने मिनरल्स को ख़ास तौर पर एक्सप्लोर करना होगा और उसकी लोकल इंडस्ट्री में खपत को देखना होगा। हम बहुत से मिनरल्स की वैल्यू एडेड मिनरल्स पाकिस्तान में इंपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टील है, हम रॉ स्टील बाहर से मंगवाते हैं, हम स्क्रैप बाहर से मंगवाते हैं और $1 बिलियन एनुअल उसके ऊपर खर्च करते हैं, जबकि हमारे पास अपने आयरन के रिजर्व्स मौजूद हैं। हम फेरो क्रोम बाहर से मंगवाते हैं जबकि क्रोमाइट हम रॉ फार्म में एक्सपोर्ट कर देते हैं। हम मैगनीज बाहर एक्सपोर्ट करते हैं और फिनिश फार्म के अंदर हम वहाँ से फेरो मैगनीज मंगवाते हैं। ऐसे भी और भी बहुत सारी मिनरल्स हैं जिनको हम रॉ फॉर्म में एक्सपोर्ट करते हैं और फिर हम बाहर से, दुनिया से उसके फिनिश प्रोडक्ट मंगवाते हैं। या कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमारे पास मौजूद हैं, हम उनके ऊपर काम नहीं कर रहे। जैसे कि
आप डायमेंशन स्टोन ही की बात कर लें, पाकिस्तान में 297 बिलियन टन की ग्रेनाइट और मार्बल यानी डायमेंशन स्टोन के रिजर्व्स मौजूद हैं, और दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी की ग्रेनाइट हमारे पास थार में मौजूद हैं। 10 बिलियन टन के ग्रेनाइट के रिजर्व्स हैं। मैं उसके ऊपर एक तफसील से वीडियो बनाऊंगा। उसकी क्वालिटी अमेरिकन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक किसी पैरामीटर्स पे कम नहीं है, लेकिन हम फिर भी बाहर से ग्रेनाइट इंपोर्ट करते हैं। इस्लामाबाद में मोनूमेंट पाकिस्तान बना और उसके ऊपर सारा ग्रेनाइट इंडिया का लगा। कितनी हैरत की बात है कि मोनूमेंट पाकिस्तान हमने बनाया और इस्लामाबाद में बनाया और उसके ऊपर सारे का सारा ग्रेनाइट हमने इंडियन लगा दिया। चाहिए तो ये था, यहाँ पे हम अपने चारों सूबों के जो क्लस्टर्स हैं, जो मार्बल और ग्रेनाइट के ज़खायर हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्प्ले करते, एक खूबसूरत भी लगता, एक हमारी मार्केट भी बनती और हमें अपने मुल्क के रिसोर्सेज भी इस्तेमाल हो रहे होते। लेकिन हम बाहर से चीज़ें मंगवाते हैं और उनको इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपके नॉलेज में बेहतरी आई होगी, को इजाफा हुआ होगा। तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।